नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर हमें पता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर जब से हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्ट करी है कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे कि वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, जहां पर हमारे पास में एफ इज अ सब फील्ड ऑफ सी, यानी कि जो हमारे पास में टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है वो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां पर फील्ड जो है वो फिक्स है कि वो सब फील्ड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और सिग्मा जो है एक मैपिंग है फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ, जो कि एक इनर प्रोडक्ट है। सिग्मा इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी, और वी सिग्मा इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसको कुछ इस तरह से डिफाइन करा गया है कि सिग्मा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लाइक दिस ब्रैकेट, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। आज के वीडियो में हम जो डेफिनेशन बताने जा रहे हैं वो है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। जितने भी v के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं, तो उसके नॉर्म से हमारा क्या मतलब है। अब यहाँ पर अगर सिग्मा जो है वो इनर प्रोडक्ट है v का, इसका मतलब हमारे पास में क्या होता है, तीन कंडीशंस हमारे पास में सेटिस्फाई होती है, यानी कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू v, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई एक्स होल बार। सेकेंड होता है हमारे पास में कि सिग्मा एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड इफ सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड होता है सिग्मा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा एक्स जेड प्लस बीटा सिग्मा y z, for all alpha beta belongs to f, for all x y belongs to v। अब यहाँ पर अगर सिग्मा जो है वो एक इनर प्रोडक्ट है v का, तो ये तीनों कंडीशंस हमारे पास में सेटिस्फाई होंगी। अब इसको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो जहाँ से मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्ट कराया है उस वीडियो से लेकर पिछले वीडियो तक आप देखें, आपको पूरा अच्छे से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको खाली रिकॉल करा रही थी। अब हम आते हैं कि नॉर्म ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया है, सिग्मा एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिग्मा एक्स एक्स यानी कि दिस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास में this is always a non-negative real number। ये एक non-negative real number आएगा हमारे पास में हमेशा ही। अब ये non-negative real number है अगर, तो इसका square root possible है, यानी कि इसका square root possible है, और इसी के positive square root को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ये हमारे पास में जो टर्म आ रही है इसको हम बोलते हैं इज अ नॉर्म ऑफ अ वेक्टर एक्स। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस के, उन सभी एलिमेंट्स का हम नॉर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं डबल लाइन और उसके बीच में वो वेक्टर, और उसको इस तरह से लिखते हैं, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स। तो चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ये तो खाली एक्सप्लेनेशन थी। सिंस से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, F is a
सब फील्ड ऑफ सी वेयर सी इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिग्मा फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी सच दैट सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू. ये मैं बार बार ये वाली लाइन इसलिए लिखती हूँ कि मैं सिग्मा वाली टर्म की बजाय ये वाला ब्रैकेट यूज कर सकूँ इसके लिए. तो यहाँ पर इस तरह से इनर प्रोडक्ट बताया गया है. अब हमारे पास में बाय सेकेंड प्रॉपर्टी सिग्मा वी वी यानी कि दिस ब्रैकेट इनर प्रोडक्ट वी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इनर प्रोडक्ट वी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इसका मतलब दिस अंडर रूट ऑफ वी वी एग्जिस्ट. ये अगर एग्जिस्ट करता है देन डिफाइन नॉर्म ऑफ वी norm of v as positive root of this inner product vv and is denoted by norm v yani ki norm v is equal to positive root of inner product vv. अब हमारे पास में हम ये चीज़ एक छोटा सा रिजल्ट प्रूफ करेंगे जो कि कहता है नॉर्म वी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ वेक्टर स्पेस सॉरी इफ एंड ओनली इफ वेक्टर वी इज इक्वल टू जीरो. यानी कि अगर हमारे पास में किसी भी एलिमेंट का नॉर्म जीरो आ रहा है तो वो वेक्टर जीरो हो गया, और अगर वेक्टर जीरो आ रहा है तो उस एलिमेंट का नॉर्म जीरो हो गया है. यानी कि अब इसको कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर norm v is equal to 0 if and only if norm v square is equal to 0. ये हो गया हमारे पास में. अब norm v square क्या होता है? inner product of vv is equal to 0 if and only. तो by second condition तो इस तरह से हमारे पास में ये वाला जो norm of a vector है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. उसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करी जा चुकी है. नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्म ऑफ अ वेक्टर की ही एक और प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस के आने वाले टॉपिक्स की तरफ. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोज देखने के लिए लर्न मैथ इजिली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में. आज के वीडियो में हम नॉर्म ऑफ अ वेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म यू. ये चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, और उसके बाद में जो इसका प्रूफ है वो स्टार्ट करती हूँ. हमारे पास वी जो है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, और u जो है वो v का एलिमेंट है, और अल्फा जो है वो एक स्केलर है. ये एक वेक्टर है, अल्फा जो है वो एक स्केलर है. हमें ये प्रूफ करना है कि नॉर्म अल्फा u इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म u. आपको पता है कि अगर u v को बिलोंग करता है तो अल्फा u जो है वो भी v को बिलोंग करेगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f, क्योंकि हमारे पास में v जो है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड f. तो हमारे पास में ये अल्फा यू जो है वो एक वेक्टर आ गया, तो उसका जो नॉर्म है वो पॉसिबल हो जाता है. इसी तरह से अगर हमारे पास में यू जो है वो वी को बिलोंग कर रहा है, अब इस साइड की तरफ आते हैं, यू जो है वो वी को बिलोंग करता है और अल्फा जो है वो एफ को बिलोंग कर रहा है, तो मॉड अल्फा जो है वो भी एफ को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास में मॉड अल्फा क्या आएगा, उसका मॉड्यूलस. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो है वो एक रियल नंबर होता है.
सपोज हमें मॉड्यूलस निकालना है 2 + 3 iota का, तो ये हमारे पास में क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2² + 3² ये क्या आ गया हमारे पास में 4 + 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 13। तो ये अंडर रूट 13 क्या है हमारे पास में, एक रियल नंबर जो कि हिस्सा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो इसका सबसेट है। तो रूट 13 जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर जाता है। तो हमारे पास में अगर अल्फ़ा जो है वो एफ को बिलोंग करता है, तो मॉड अल्फ़ा जो है वो भी एफ को बिलोंग कर गया, और मॉड अल्फ़ा अगर एफ को बिलोंग करता है तो हमारे पास में उसका नॉर्म क्या आता है, नॉर्म हमारे पास में आता है एक रियल नंबर, वो रियल नंबर आ जाता है। तो हमारे पास में मॉड यू और ये नॉर्म अल्फ़ा, ये दोनों हमारे पास में इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। तो अब चलिए इसकी जो प्रूफ है उसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा यू के होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को हम कंसिडर करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में अल्फा यू, अल्फा यू ये आ गया। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें ये पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, ये प्रॉपर्टी हमें पता है क्योंकि इनर प्रोडक्ट की है। यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो बाहर आ गया, ये क्या बच गया, यू अल्फ़ा यू, ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर हमने जब रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे थे इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर बेस्ड, जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये चीज़ करी थी कि एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड क्या होता है, ये होता है हमारे पास में अल्फ़ा बार एक्स वाई प्लस बीटा बार एक्स जेड, ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो यहाँ पर से जब अल्फ़ा बाहर आएगा तो ये बार होगा, तो ये हमारे पास में यह आ गया यू यू। अल्फ़ा अल्फ़ा बार यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट होता है उसका प्रोडक्ट इसके बराबर होता है उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के, इज इक्वल टू मॉड अल्फ़ा स्क्वायर यू यू विच इज इक्वल टू मॉड अल्फा स्क्वायर नॉर्म यू स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड अल्फा, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा, मॉड अल्फा नॉर्म यू होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के प्रोडक्ट को हम ए बी होल स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम अलजेब्रा वाला यही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर आपने क्या कंसिडर करा था, नॉर्म ऑफ अल्फा यू होल स्क्वायर, जो कि आपके पास में किसके इक्वल आ जाता है, मॉड अल्फ़ा नॉर्म यू होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिल जाता है, नॉर्म अल्फ़ा यू इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड अल्फ़ा नॉर्म यू। अब यहाँ पर देखिए नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स कंसिडर नहीं करी जाएंगी, खाली पॉजिटिव साइन जो है उसको कंसिडर करा जाएगा। देयरफॉर नॉर्म अल्फ़ा यू इज इक्वल टू मॉड अल्फ़ा नॉर्म यू फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो कि बेस्ड है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर के ऊपर वो कंप्लीट होती है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो यूज़ है, इसका जो इस्तेमाल है वो आने वाले प्रॉपर्टीज़ थ्योरम्स प्रॉब्लम्स में किया जाने वाला है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोज़ देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।